हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी विद बबुआ जी में। और यदि आज आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल सब्सक्राइब होने के बाद जब हमारा चैनल सब्सक्राइब्ड हो जाएगा तो एक बेल अर्थात घंटी का चित्र आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पर भी आपको एक बार क्लिक करना है, तभी आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो दो प्रोसेस है, एक तो सब्सक्राइब करना है और एक बेल वाला आइकन दबाना है। तो चलिए चलते हैं, आज एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ आपके लिए सक्षम कोचिंग सेंटर से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है ये, तो अंत तक जरूर आप इस वीडियो को देखें। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस सेट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम उत्तराखंड के प्रश्नों से, ठीक है। 21वां प्रश्न है, राज्य में सूर्य मंदिर, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, राज्य में सूर्य मंदिर व मूर्तियां निम्न में से किस वंश के अधिकार की पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य में सूर्य मंदिर व मूर्तियां निम्न में से किस वंश के अधिकार की पुष्टि करते हैं, मौर्य, कुषाण, शक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब है सही वह है शक, ठीक है। जो सूर्य मंदिर और मूर्तियाँ हैं वो शक वंश के अधिकार की पुष्टि करते हैं। 22वां प्रश्न है, राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख के अनुसार इस क्षेत्र में किस जाति का निवास था। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, पुलिंद, अपरांत, दोनों या यादव। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यादव वंश की। जो यादव जो जातियां थी, ईश्वरा के अभिलेख है जो, उसमें ये पता चलता है कि यादव लोगों का उत्तराखंड में क्या होता था, निवास हुआ करता था। 23वां प्रश्न है, पंतनगर विश्वविद्यालय का नाम किस वर्ष गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय रखा गया। चार ऑप्शन है आपके सामने और इसका जो सही जवाब है वह है 1972, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1972। 24वां प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा में राज्य से शामिल व्यक्ति थे, कौन व्यक्ति शामिल थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, गोरखा वीर, खड़क बहादुर या ये सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ये सभी, तीनों व्यक्ति शामिल थे, ध्यान रखेंगे आप, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, गोरखा वीर, खड़क बहादुर। 25वां प्रश्न है, नानक मत्ता को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था या किस अन्य नाम से भी जाना जाता था। तो शाहजफर, गोरखमत्ता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है आपके सामने, इसका जो सही जवाब है वो है गोरखमत्ता, ध्यान रखेंगे, गोरखमत्ता नाम से भी जाना जाता था नानक मत्ता को। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न है, तो ज़रूर आप नोट कर लें इस प्रश्न को। 26वां प्रश्न है, बालेश्वर मंदिर समूह के किस मंदिर की बाहरी दीवार पर खजुराहो के समान काम मूर्तियाँ अंकित है। चार ऑप्शन है, चंपावती देवी, रत्नदेव मंदिर, सुग्रीवेश्वर मंदिर या कालिका मंदिर। तो इसका जो सही जवाब है वो है चंपावती देवी मंदिर। जो चंपावती देवी मंदिर है, इस मंदिर की जो बाहरी दीवार है वहाँ पर खजुराहो के समान क्या है, काम मूर्तियों के चित्र अंकित हैं। 27वां प्रश्न है, किस टिहरी नरेश ने टिहरी में पहली बार बिजली की सुविधा से जनता को अवगत कराया था। चार ऑप्शन है आपके सामने फिर से, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह और नरेंद्र शाह। तो पहली बार जो टिहरी की जनता ने बिजली देखी वो देखी कीर्ति शाह के समय। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कीर्ति शाह के समय पहली बार बिजली की सुविधा से जनता अवगत हुई थी। 28वां प्रश्न है, किस वर्ष टिहरी रियासत में प्रजामंडल का मंत्रिमंडल बनाया गया। चार ऑप्शन है, 1946, 48, 1949, 1950। क्या किसी को इस प्रश्न का उत्तर आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं तो बताऊंगा ही। तो 28वां जो प्रश्न है, किस वर्ष टिहरी रियासत में प्रजामंडल का मंत्रिमंडल बनाया गया, तो उसका जो सही जवाब है वह है 1948। 29वां प्रश्न है, आर्य समाजी पंडित के नाम से कौन व्यक्ति विख्यात थे, खुशीराम आर्य, बच्चीराम आर्य, जयानंद भारती या हरिप्रसाद टमटा। तो उसका जो सही जवाब है वह है बच्चीराम आर्य, ये आर्य समाजी पंडित के नाम से विख्यात थे। 30वां प्रश्न है, निर्गुणानंद नाम से किस गोरखा प्रशासक को जाना जाता है। एकदम नया प्रश्न है, यदि आपने बद्रीदत्त पांडे की कुमाऊं का इतिहास पढ़ी होगी तो वहां पर आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। तो निर्गुणानंद नाम से किस गोरखा प्रशासक को जाना जाता है, विक्रम शाह, अमर सिंह थापा, रण बहादुर या हस्तिदल चौतरिया। तो उसका जो सही जवाब है वह है रण बहादुर। रण बहादुर जो कि गोरखों के एक राजा थे, उनको किस नाम से भी जाना जाता है, निर्गुणानंद नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये साधु बन गए थे, साधु प्रवृत्ति के बन गए थे बाद में, और इन्होंने अपना नाम खुद ही बदल दिया था और स्वामी निर्गुणानंद रख दिया था। तो ध्यान रखेंगे, रण बहादुर को गोरखा प्रशासक थे ये, इनको निर्गुणानंद नाम से भी जाना जाता है। 31वां प्रश्न है, किस चंद शासक ने भूटियाओं और हुनियों अर्थात तिब्बतियों को सिरती कर देने के लिए बाध्य किया था, लक्ष्मीचंद, बाज बहादुर चंद, तिरमल चंद या उद्योत
चंद। तो उसका जो सही जवाब है वो है बाज बहादुर चंद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाज बहादुर चंद ने जो हुनिये थे अर्थात तिब्बती थे उनको सिरती कर देने के लिए बाध्य किया था। थोड़ा सा ठीक है, अगला प्रश्न है, चमोली में किस ताल के निकट नंदा देवी मंदिर स्थित है? चार ऑप्शन है आपके सामने, लक्ष्मण ताल, बेनीताल, सर ताल या सतोपंत ताल। तो इसका जो सही जवाब है वह है बेनीताल। ठीक है, बेनीताल के निकट नंदा देवी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? तो ड्यूक ऑफ विंडसर, मानेकशॉ, फ्रेजर या चैटवुड वर्ड। तो इसका जो सही जवाब है वह है चैटवुड वर्ड। 35वां प्रश्न है, हरीश भाकुनी किस खेल से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चार ऑप्शन है आपके सामने, हॉकी, फुटबॉल, नौकायन या भारोत्तोलन। तो उसका जो सही जवाब है वह है हॉकी। हरीश भाकुनी का संबंध हॉकी खेल से है। 36वां प्रश्न है, उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितना लिंगानुपात है? ठीक है, तो बताना है आपको कितना लिंगानुपात है, 99, 1801 या 884। काफ़ी टफ प्रश्न बन सकता है ये। ठीक है, तो उसका जो सही जवाब है वो है 884 लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन कहाँ है, शहरी क्षेत्रों में। अच्छे से प्रश्न को देख लें आप, शहरी क्षेत्रों में है ये लिंगानुपात। 37वां प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग्स के लेखक कौन है? मुकुंदीलाल, अजीत घोष, कुमार स्वामी या माणकू। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, क्या किसी को इसका जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वह है कुमार स्वामी। ठीक है, कुमार स्वामी, वैसे इनका पूरा नाम जो है वह है आनंद कुमार स्वामी, नोट कर लीजिए आप, आनंद कुमार स्वामी। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग्स के लेखक कुमार स्वामी। 38वां प्रश्न है, ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय नामक कृति के लेखक कौन है? तो डीपी डोभाल, गोविंद सिंह रजवार, आदित्य नारायण पुरोहित या धरणीधर चंदोला। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका जो सही जवाब है वह है आदित्य नारायण पुरोहित। ठीक है, काफ़ी फेमस बुक है इनकी ये, ब्लेसमिंग गढ़वाल, और ये चमोली जनपद के हैं, चमोली में इनका जन्म हुआ था और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें आप, ब्लेसमिंग गढ़वाल, आदित्य नारायण पुरोहित। 39वां प्रश्न है, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? भाषाविद, वैज्ञानिक, शिक्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका जो सही जवाब है वह है भाषाविद, भाषाविद से जुड़े हैं डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। क्वेश्चन नंबर 40 है, शंखमुखी शिखरों पर नामक रचना के रचनाकार कौन हैं? वीरेंद्र डंगवाल, लीलाधर जगुड़ी, अजय रावत या मंगलेश डबराल। तो उसका जो सही जवाब है वो है लीलाधर जगुड़ी। शंखमुखी शिखरों पर जो रचना है वो लीलाधर जगुड़ी की है। तो यहाँ पर उत्तराखंड के कुछ प्रश्न बताए हैं मैंने आपको, लेकिन यदि आप इस पूरे वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं अर्थात पूरे प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं आप, वहाँ पर मैंने लिंक दिया है, आंसर की भी डाली है और साथ ही साथ पूरे 100 के 100 प्रश्नों की पीडीएफ भी डाली है। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद यदि आपको वहाँ पर भी नहीं मिलता है तो फेसबुक में सर्च कीजिए आप हमारे चैनल को, जीके स्टडी विद बबुआ जी, वहाँ पर हमारा पेज भी है एक। ठीक है, जीके स्टडी विद बबुआ जी नाम से पेज है, वहाँ पर भी मैंने इसकी पीडीएफ डाल दी है, डाली तो नहीं है लेकिन डाल दूंगा अभी, आधा एक घंटे में डाल दूंगा पीडीएफ, और कमेंट बॉक्स में वहाँ पर आपको इसकी आंसर की भी मिल जाएगी। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए मुहैया कराता रहूँगा। ठीक है, और मैं अब एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा कि 28 तारीख को आपका पेपर है, अगले महीने भी 25 को पेपर है, तो ज़्यादा नया करने की कोशिश ना करें आप, जितना अभी तक आपने पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करें, नया पढ़ के अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए बस जो आपने पुराना पढ़ा है उसी पर अधिक फोकस करें। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी अगले नए वीडियो में, धन्यवाद।